तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है द व्यूपिंग नए व्लॉग के साथ। और आज गए थे कोठावारे हनुमान जी महाराज के मंदिर पे, तो वहाँ कुछ व्लॉग शूट करके आया था। मुझे लगा कि व्लॉग शूट करना चाहिए, तो व्लॉग व्लॉग शूट किया। और ये सेम जो कोठावारे हनुमान जी महाराज का व्लॉग है ना, हिस्ट्री ऑफ कुतियाना में गुजराती लैंग्वेज में भी आएगा। ये सेम ही व्लॉग, ऐसा कुछ नहीं अलग अलग, ये सेम बैठे बैठा वीडियो। सिर्फ मैं ये जो हिंदी बोल रहा हूँ उसकी जगह गुजराती वाली क्लिप आ जाएगी, बाकी तो ये वही वाले कुछ क्लिप्स आएंगे, वीडियो क्लिप्स। और लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट्स के बारे में बात की थी, बट हाँ, मैंने एक कमेंट रख दी थी। तो एक कुछ फेक आईडी में से कमेंट आई थी एक भाई की, वो थोड़ी ख़राब कमेंट थी, ख़राब ही नहीं थी, अच्छी भी थी। वो भाई का वो मुझे लगता है कोई रेंडमली वीडियो मेरा उनको पहुँचा होगा, और उन्होंने पूरा देखे बिना डायरेक्ट कह दिया कि भाई मुझे कहने में भी हँसी आ रही है। उन्होंने कहा होगा देख के, देखे बिना मेरे सारे वीडियोस के, भाई पहले बाइक न्यू ले ले, बाद में मोटर। तो मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाइक नई हो या पुरानी, लोगों को आपका व्लॉग देखना पसंद आना चाहिए। नई बाइक हो या पुरानी, आपके व्लॉग में इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों को। और जैसी भी है मेरी है ना बाइक पे, और आप कमेंट जिन्होंने लिखी है वो देख रहे हो, तो उनको एक निवेदन है, पहले मेरे सारे वीडियोस देख लो मेरे भाई, बाद में ऐसी कमेंट करो। मेरे को तो कुछ बुरा नहीं लगा, कल को कोई गर्म मिजाज वाला भाई कई वीडियोस में आपने कमेंट की ना, तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, और वो कुछ कहे तो वो भी आपको सुनना पड़ेगा। ओके, बाकी तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो, मेरे को एटीट्यूड कर नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पास कितने वाहन है ना आप देख सकते हो। बाकी मैं गिना देता हूँ, मेरे पास 3 ही है, एक ये वाले स्प्लेंडर, बुलेट और एक छकड़ा रिक्शा आती है। वो छकड़ा रिक्शा भी एक बार आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, ऐसा कोई अभिमान नहीं है मुझमें कि वो नहीं, मेरे पापा अभी तक वही चलाते थे। बाद में वो उनके छकड़ा रिक्शा की बाय एंड सेल करते हैं मेरे पापा अभी, बाकी तो अब तक छकड़ा रिक्शा ही मेरे पापा चलाते थे। तो वो भी दिखाऊंगा एक दिन। बाकी तो आज के व्लॉग में ये कोठावारे हनुमान जी महाराज का जो मंदिर मैंने विजिट किया था उसका व्लॉग है, तो उसका एक हिस्ट्री ऑफ कुतियाना सीरीज में तो आएगा, क्योंकि उनका इतिहास तो मैं प्रॉपर दूंगा ही, क्योंकि इतिहास देने वाले मुझे जो भाई देते हैं ना, जो भाई वो भाई आज है नहीं हाजिर, नहीं तो उनके पास से सारा इतिहास लेके मैं आपको कहता कि यहाँ ये इतना साल पुराना है। कोठावर हनुमान जी महाराज के बारे में अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आज जितना शूट किया वो तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है मंदिर का कुछ गेट, और चलो जाते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही पहले आता है ये मंदिर का आंगन। यहाँ एक हवन कुंडी और बड़ा सा वट का पेड़ है। तो पहले तो ये मेन मंदिर का गेट खोल के जाते हैं अंदर। अभी तो कुछ शाम के 4:30-5 जितना टाइम हुआ था, इसलिए कोई वहाँ था नहीं। बाकी तो अंदर जाते ही पहले आता है श्री हनुमान जी का मंदिर, और पास में है राम जी का मंदिर, और सामने ये मिरर लगा हुआ, मिरर नहीं सॉरी, क्या कहते, कांच लगा हुआ है सिंपल वाला। तो इसमें थोड़ी थोड़ी दिन का टाइम है, इसलिए मिरर इफेक्ट आ रहा होगा। बाकी तो आप देखिए, मंदिर भी बहुत पुराना है। बाकी तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी रेस्टोरेशन होने के बाद भी अभी तो इसमें चाइना मोजेक से कुछ डिजाइन की है। बाकी तो आप जो कार्विंग्स वो देख रहे हैं वो तो बहुत पुरानी है, और इसका फुल इतिहास वाला वीडियो तो मैं हिस्ट्री ऑफ कुतियाना वाली सीरीज में गुजराती लैंग्वेज में डालूंगा ही। बाकी तो ये चाइना मोजेक से मस्त मस्त डिजाइन है पूरे मंदिर में, तो देखिए आप पीछे मोर, यहाँ भी हंस है, और ये देखो ये पूरे पूरी 1 फुट की घंटी है, इतनी बड़ी घंटी है यहाँ। और फ्रेंड्स, यही पास में है श्री राम जी का मंदिर, सांकेत धाम जो कहते हैं, और यहाँ बोर्ड में कुछ लिखा है जिन्होंने भी ये रिस्टोरेशन करवाया था उनके नाम का, यहाँ एक बोर्ड टाइप सा है। और ये यहाँ मंदिर के अंदर भी एक शिवलिंग है स्थापित, इसका फुल मंदिर का और ये शिवलिंग का क्या हिस्ट्री है वो तो आप हिस्ट्री ऑफ कुतियाना वाले चैनल में आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ सामने की ओर है श्री राम धुन की परिसर, मीन्स कि यहाँ जब भी लोग राम धुन कोई करता है तो यहाँ बैठ के सब इस बड़े से हॉल में बैठ के राम धुन बोलते हैं। कुतियाना निवासी सब लोग यहाँ आते हैं, मेरे कई सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड सब लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ है श्री हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति। बाकी तो एक ये जो पाइटू पिटिया कहते हैं गुजराती में, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है लकड़ी का और पत्थर का, छत होती है, पुराने वाला स्ट्रक्चर है। बाकी तो यहाँ से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, देखिए
और ये है बड़े ऐसा वट का पेड़। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये कोठावर हनुमान जी महाराज का मंदिर? तो आज के लिए बस इतना ही व्लॉग में, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में तो हो गई होगी गणेश चतुर्थी, तो सबको पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नियर बाई जो हमारे घर के पास गणेश जी का जो मूर्ति का स्थापन करते हैं उसका भी व्लॉग आएगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।